हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज दिन है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार और अभी बज रहा है सुबह का 4। तो सुबह के 4 बजे आज मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। आप लोग भी बहुत चक्के रह रहे होंगे कि आज सुबह के 4 बजे मेरी मॉर्निंग इतनी जल्दी कैसे होगी, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैं जो है नहाकर और बिल्कुल रेडी हूँ, आप देख सकते हो। तो फिलहाल आज हम लोग निकल रहे हैं सुमित की नानी के यहाँ। हम लोग जा रहे हैं हरदोई मछिया, सुमित की नानी के घर। तो फिलहाल मैं, सुमित और बिंदु मौसी, हम तीन लोग जा रहे हैं। तो नीचे मौसी रेडी हो रही हैं। हम 3 बजे ही उठ गए थे, और 3 बजे उठने के बाद चाय वगैरह पी और नहा धो के अभी भी प्रॉपर बिल रेडी हैं। और जो एक जोड़ी दो जोड़ी जो कपड़े रखने, क्योंकि हम लोग रुकेंगे नहीं मझिया में, रात में वापस आ जाएंगे। तो बस एक दो जोड़ी कपड़े रख लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आजकल एक दो जोड़ी कपड़े पूरे दिन में लग ही जाते हैं, कपड़ों की रिक्वायरमेंट आजकल ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है। तो फिलहाल अभी बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए हम लोग। और सुमित ने भी जो है एक पावर नैप छोटा सा ले लिया है, तो सुमित को उठा दिया है। सुमित रेडी हो गया और मैं भी नहा कर बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और बस अभी हम लोग करीब आधे घंटे में हम लोग निकल जाएंगे हरदोई के लिए। तो फिलहाल चलो, अभी जो है थोड़ी बहुत जो तैयारी है, यानी मुझे मेरे अभी लड्डू गोपाल को तैयार करना बाकी है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर लेती हूँ। तो फिलहाल आज ना वो बचपन वाले दिन याद आ रहे हैं, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, और स्कूल की छुट्टियाँ हुआ करती थी तो अपनी नानी के घर जाते थे। तो रात में 2:30 बजे ट्रेन होती थी हमारे यहाँ रायबरेली में ना, रात में 2:30 बजे की ट्रेन होती थी। तो रात की 2:30 बजे वाली ट्रेन से हम लोग जाते थे, और जो है करीब सुबह के 5-6 बजे नानी के घर पहुँचते थे। वहाँ पर सब लोग सो रहे होते थे, और गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना बहुत मज़ा आता था, बहुत इंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, शैतानी भी बहुत करते थे, मम्मी की मार भी बहुत खाते थे, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता था। लेकिन आज वही दिन बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है, बचपन वाला दिन याद आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों चलिए, अभी तो रेडी हो गए हैं और थोड़ी बहुत तैयारियाँ छुट्टी कुट्टू करनी बाकी है, तो तैयारियाँ कर लेते हैं और फिर फटाफट हम लोग निकलते हैं हरदोई के लिए, ताकि सुबह ठंडे मौसम में ठंडे ठंडे हम लोग घर पहुँच जाए। सो गाइस, तो गाड़ी बाहर लग चुकी है, गाड़ी में सब लोग बैठ गए हैं। चलो अब हम लोग भी निकलते हैं। तो फिलहाल बज गया है, निकलते बज गया है 5 बजे निकल रहे हैं। तो 10 बजे तक हम लोग अब पहुँच जाएंगे। सुबह के 5 बजे ठंडे ठंडे मौसम में निकल सकते हैं हम लोग फटाफट। तो फिलहाल सुबह के 5 बजे हम लोग ठंडे ठंडे मौसम में निकल लिए हैं, और असली ट्रैवल करने का मज़ा दो ही टाइम में होता है, एक रात में जब हम लोग नाइट आउट करते हैं, और एक अर्ली मॉर्निंग जब सब लोग सोए हुए होते हैं, बस चिड़िया चहचहा रही होती है। तो बस असली मज़ा तो सच में दो ही बार रात में, या तो फिर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करने में ही मज़ा आता है, क्योंकि उस टाइम मौसम जो होता है ना ज़बरदस्त होता है। तो फिलहाल अभी निकल लिए हम लोग, और हम लोग घर में चाय नाश्ते के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि अगर चाय नाश्ते के चक्कर में हम लोग पड़ते ना तो बहुत देर हो जाती, 7-8 यहीं बच जाता, फिर उतनी धूप उतनी गर्मी, फिर वही दोपहर वही भयंकर गर्मी वाला पूरा जो हो जाता। तो इस चक्कर में हम लोग ठंडे ठंडे जो है घर पहुँच जाएँ, तो इस वजह से हम लोग जो है बस रेडी होके तुरंत निकल लिए हैं। और रास्ते में देखेंगे, रास्ते में तो कई सारे स्टॉपेज होंगे, तो हमारा चाय नाश्ता बाहर ही हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए, 5 बजे निकले हैं, और अब देखते हैं कि हम लोग हरदोई कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो फिलहाल वो तो रास्ते पर डिपेंड करेगा, हमारे रुकने पर डिपेंड करेगा। तो चलो लेते हैं अर्ली मॉर्निंग में उठ के इस ठंडे ठंडे रास्तों का बिल्कुल मज़ा, ठंडा ठंडा मौसम इंजॉय करते हैं अर्ली मॉर्निंग वाली जर्नी। सो गाइस, तो फिलहाल घर से निकलने के बाद हमने पहला स्टॉपेज उन्नाव में लिया, और उन्नाव में पीडी नगर में हमने, जहाँ पे अंकुश और काजल रहते हैं उनके घर के सामने पेट्रोल पंप है, तो हमने वहाँ पे सीएनजी फुल करवाई, और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए हरदोई के लिए। फिर नॉन स्टॉप गाड़ी हमारी जो है चलती रही, और उसके बाद सुमित ने गाड़ी बीच में कहीं नहीं रोकी, चाय नाश्ते के लिए भी कहीं नहीं रोकी, क्योंकि सुमित बोल रहे थे जितनी जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि मुझे वरना फिर नींद आने लगेगी। तो नॉन स्टॉप हमारी गाड़ी उन्नाव से निकली, फिर सीधे हमारी गाड़ी मझिया में घर पे ही जाकर रुकी, और हम करीब 9 बजे के आसपास नानी के घर मझिया पहुँच चुके थे। तो ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं मझिया और पहुँच गए हैं नानी के घर। तो बस चले इंजॉय करते हैं। तो गाइस, फिलहाल अभी शाम का बज रहा है 5:30, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मछिया आए हुए हैं सुमित के नानी के घर। तो फिलहाल हम लोग सुबह जो है हम लोग 9 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे घर आ गए थे।
पर फिर घर पे आने के बाद थकान तो थी। सुबह 3 बजे सो के उठे थे, जैसा कि आपको बताया था 3 बजे सो के उठे थे। उसके बाद फिर रास्ते में इतनी थकान, इतनी नींद आ रही थी, आंखें नहीं खुल रही थी। फिलहाल मैं तो गाड़ी में सोते सोते आई, तो फिलहाल अब जो है घर आने के बाद चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ किया, फिर सबसे मिलना जुलना हुआ, बातें हुई, और फिर सुमित तो आते ही सो गए थे। तो फिर घर पे आने के बाद दोपहर में ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सबसे मिलने में बातें करने में व्यस्त हो गए थे। तो फिलहाल अभी शाम का 5:30 बज रहा है, शाम की चाय हो चुकी है और अभी मैं जो है ना घर में ऊपर छत पे आ गई हूँ। वाओ, ये देखो कितनी बढ़िया ग्रीनरी है, कितना बढ़िया पेड़ है पीपल का नानी के घर के सामने। तो बस शाम की चाय हो गई है, और हाँ, एक यहाँ पे आने के बाद एक सरप्राइज़ हमें और मिला कि अभी जो है ना मम्मी आ गई हैं। मम्मी यानी मेरी सासू माँ भी आ चुकी हैं यहाँ पे। उनका कोई प्लान यहाँ पे आने का था नहीं, अचानक से हमें दोपहर में 1 बजे फ़ोन आया कि वो भी आ रही हैं, और बस से जो है बस के द्वारा वो भी बरेली से यहाँ पे आ गई हैं। तो सुमित अभी शाम को जाके 4 बजे उनको भी वहाँ से लेकर आए, तो मम्मी भी आ चुकी हैं, मम्मी हमारे साथ यहाँ से घर जाएंगी। तो फिलहाल हम लोग अभी नहीं, रात में 9-10 बजे घर निकलेंगे। पीछे कन्नू भी आ गई है तो हम लोग 10-11 बजे तक रात में यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। फिलहाल अभी तो छत पे आ गए हैं, फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी हवा, और बड़ा मज़ा आ रहा है। बेचारी भूमि जो है उदास उदास गुस्सा घूम रही है। अच्छा, कपड़ों की? हाँ, मार्केट नहीं जा पाई। गई कहाँ है? बाहर है, उन्होंने दुकान पे भेजा ना, तुमने दुकान पे भेजा। अच्छा, तो भूमि जो है सुबह से खुश थी कि मार्केट जाएंगे, शाम को हम लोगों का मार्केट जाने का प्लान था, तो लेकिन भूमि नहीं जा पाई क्योंकि मामा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, छोटे वाले मामा की। तो मामा डॉक्टर के आ गए हैं सुमित के साथ, थोड़ा सा प्लान पोस्टपोन हो गया, और भूमि को मार्केट जाना था, कपड़े वगैरह लेने थे, कल मामी के यहाँ जाना है भूमि को। तो बेचारी भूमि का थोड़ा सा मूड अपसेट। शाम का बज चुका था करीब 6:30, और हमने यहाँ पे जो है हम लोग कर रहे हैं समोसे और मिर्चे की दावत। तो फिलहाल हमारे यहाँ मामा के गांव में ना समोसे, मिर्चे, जलेबियाँ, ये सब बहुत अच्छी मिलती हैं। हम लोग जब भी आते हैं ना, तो दिन में मतलब जब हम लोग आते हैं तो दिन में हमारे जो छोटे वाले मामा की परचून की शॉप है थोक की, तो हम लोग उधर साइड रोड पर जाते हैं, तो वहाँ पे समोसे, जलेबी, टिक्की, चाट, बतासे सबके ठेले लगते हैं, और वो बहुत ही स्वादिष्ट खिलाते हैं। मतलब ऐसा टेस्टी जो है ना हमें कानपुर में खाने को नहीं मिलता, तो हम ज़रूर खाने के लिए जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग दोपहर में मॉर्निंग में 9 बजे आ गए थे, फिर दोपहर बहुत ज़्यादा धूप बहुत ही, सुमित भी सो गए थे तो हम लोग घर पर ही थे, और अभी रात में हमको निकलना था, तो हम लोगों ने शाम को जो है घर पर ही मंगा के समोसे और मिर्चे की पार्टी की, मस्त समोसा और मिर्चा खूब जम के खाया, और उसके बाद 9 बजे फिर हम लोग मझिया से निकल लिए वापस कानपुर के लिए। तो वापस में मैं, मम्मी और सुमित हम तीनों जा रहे हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ से कानपुर के लिए निकल लिए हैं, और 9 बजे निकल लिए हैं, तो हम 12:30 तक कानपुर में हम पहुँच जाएंगे। और मझिया से निकलने के बाद हमने जो है बिलग्राम के आसपास हमने ये स्टॉपेज लिया था, हाईवे के किनारे एक ढाबा था, तो बहुत जोरों की नींद आ रही थी और हल्का फुल्का कुछ खाने का भी मन कर रहा था, तो ढाबे के पास में हमने जो है गाड़ी रोकी और यहाँ पे हमने मंगाई चाय। हमने चाय मंगाई तो यहाँ पे हमने चाय पी, और खाने का तो इनके पास कुछ विशेष आइटम था नहीं, और लगभग सारी शॉप भी बंद होने लगी थी खाने पीने वाली, तो हमने चाय और चाय के साथ में चिप्स के पैकेट थे और कुरकुरे के पैकेट थे, वही हमने मंगाई, और वही हमने बैठ के यहाँ पे हल्का सा चाय नाश्ता किया। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से सीधे नॉन स्टॉप निकले कानपुर के लिए, फिर हम लोग कानपुर में ही जाके रुके, और 12:30 के आसपास हम लोग कानपुर पहुंच गए थे। तो दोस्तों बस हम लोगों का यही था आज का मझिया का व्लॉग। तो मझिया हम कुछ घूमने के पर्पस से नहीं, हमारी अचानक से प्लानिंग बनी थी, और प्लस मौसी जा रही थी तो मौसी को छोड़ना था और मम्मी को वहां से लाना था, और हमें भी कुछ काम था, तो अचानक से हमारी प्लानिंग बनी और सुबह 4 बजे उठ के हम लोग चल दिए मझिया हरदोई सुमित के नानी के घर। तो बस यहाँ पे आज ये पूरे दिन का हमारा टूर था, जो कि बस भागम भाग में ही निकल गया, और इसी के साथ अभी ब्लॉग भी यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में और एक नए कंटेंट के साथ। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो फिलहाल यहाँ पे चलिए हम लोग भी जल्दी जल्दी जो है ना चाय और कुरकुरे खाने में लगे हुए। तो यहाँ पे चाय हम लोग पी रहे थे, तंदूरी चाय सिर्फ नाम की चाय थी, बाकी तंदूर वाला कुछ भी टेस्ट नहीं था। चाय को तो बिल्कुल कॉमन चाय से जो एक नॉर्मल चाय होती है ना, उससे भी ज्यादा इसको बेकार कर दिया था अनगर भैया जो है, चाय को ज्यादा स्पेशल बनाने के चक्कर में आपने और चाय की रेड पीट दी। तो फिलहाल जैसी भी चाय थी पूरे रूट पे हमें यही जो है चाय की शॉप मिली, तो हम लोगों ने चुप करके पी ली, ज्यादा उसमें कमियां नहीं निकाली। तो फिलहाल चाय पीने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले और सीधा फिर कानपुर में ही रुके। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।